हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, डिफरेंशिएट वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 + 2 साइन एक्स अपॉन वर्ग 2 प्लस कॉज एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से स्टार्ट करते हुए ये हमारे पास क्या बना, वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 + 2 साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कॉज एक्स। इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो यहाँ से वाई की डिफरेंशिएशन आएगी डी बाय डी एक्स। साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/√1 − x², 1 + 2 साइन एक्स अपॉन 2 + cos x का होल स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन किसकी करनी है हमें, इसकी भी करनी है एंगल की। तो वो क्या आ गया, u/v आ जाएगा। यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर रही हूँ v² 2 + cos x का होल स्क्वायर इंटू v, क्या आएगा v डिफरेंशिएशन ऑफ u, मतलब 1 + 2 साइन एक्स की डिफरेंशिएशन करनी बेटा। 1 की तो 0 होगी कॉन्स्टेंट, और इसकी क्या 2 साइन एक्स की 2 cos x माइनस यू डिफरेंशिएशन ऑफ वी। तो अब आपको इसके डिफरेंशिएशन करनी वी की, मतलब 2 + cos x की, 2 की तो कांस्टेंट है 0, cos x की होगी माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो ये पहले हम इसको करेंगे 1/, अब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो जब एलसीएम लेंगे 2 + cos x का होल स्क्वायर बनेगा। मैं स्टेप बाय स्टेप कर देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। 1 - 2 साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन कितना आएगा, 2 + cos x का होल स्क्वायर इंटू, जब इसको हम खोलेंगे तो ये बनेगा 4 cos x प्लस 2 cos² x माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस साइन एक्स, अभी फिर अगेन माइनस माइनस प्लस 2 sin² x अपॉन नीचे हमारे पास आ गया 2 + cos x का होल स्क्वायर। अब देखिए हम जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 1/√, पूरे के अंदर रूट रहेगा और ये बनेगा 2 + cos x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे ये इधर चला गया 2 + cos x का होल स्क्वायर माइनस 1 + 2 साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू, देखो बेटे जो जो इकट्ठे कर सकते हैं कर लेते हैं, 4 cos x प्लस साइन एक्स ये एज इट इज रहने देते हैं, प्लस इसमें से और इसमें से दोनों में से कॉमन निकल जाएगा 2, और बचेगा क्या cos² x प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, cos² x प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे हमारे पास वही 2 + cos x का होल स्क्वायर। अब देखो ये तो 1 बन जाएगा, अब हम इसको करते हैं सॉल्व। ये जब रूट के बाहर आएगा तो स्क्वायर और रूट कैंसिल, ऊपर जाएगा अकेला, क्या बनेगा ऐसा आएगा 1/√2 + cos x का होल स्क्वायर, मीन्स ये रूट में है पहली तो बात, इसको रहने देते हैं, a + b का होल स्क्वायर क्या आएगा, a² + b² + 2ab 4 cos x माइनस से बाहर a² + b² + 2ab 4 sin x, ये आ गया इतना अपॉन पूरे के नीचे हमारे पास कितना था 2 + cos x का होल स्क्वायर है ना, रूट के बाहर आएगा तो 2 + cos x बन जाएगा, तो ये बनेगा यहाँ ये पूरे के नीचे था इस तरह से, ये इसके नीचे आया सिर्फ 2 + cos x इंटू यहाँ पे 4 cos x प्लस साइन एक्स प्लस, मैंने आपको पहले बोला ये 1 बन गया तो क्या बचा 2 अपॉन 2 + cos x का होल स्क्वायर। आप इसको काट भी सकते हो, ये देखो इससे कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, ये जो जितना भी आंसर आएगा ये पूरा ऊपर ही आएगा 4 cos x प्लस साइन एक्स प्लस 2 अपॉन, नीचे देखो क्या क्या बचा, एक तो 2 + cos x बच गया, इसको मैं पहले लिख लेती हूँ 2 + cos x, और बाकी रूट में जो बचेगा उसको इकट्ठा करेंगे। पहले इसको खोल लेते हैं, 4 + cos² x प्लस 4 cos x माइनस 1 माइनस 4 sin² x माइनस 4 sin x, ये आ गया हमारे पास। अब हम इनको इकट्ठा करेंगे, क्या आएगा 4 cos x प्लस साइन एक्स प्लस 2 अपॉन, ये 2 + cos x तो एज इट इज रहेगा। अब इकट्ठा करते हैं, देखो 4 - 1 कितना आ गया 3, नेक्स्ट हमारे पास आएगा cos² x वाला कोई भी नहीं है, ये सिर्फ cos² x आ गया, cos sin² x वाला लिख लो पहले, माइनस 4 sin² x आ गया, फिर 4 cos x वाला 4 cos x माइनस 4 sin x, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फिफ्थ प्रूफ दैट डी डी एक्स ऑफ 1√1 − x² इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन √1 − x², ये हमें प्रूव करना है। तो हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, लेट इसको वाई मान लेते हैं ताकि उसकी डिफ्रेंसिएशन ये आ जाए। ठीक है, तो वाई इज इक्वल टू √1 − x² इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो y की डिफरेंशिएशन कितनी होगी, dy/dx, और यहाँ पर देखो दोनों वेरिएबल हैं तो u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, u डिफरेंशिएशन ऑफ v, इसकी साइन इनवर्स x की डिफरेंशिएशन होती है 1/√1 − x²
प्लस वी डिफरेंशिएशन ऑफ यू, इसकी करनी है तो पहले 1/2 पावर नीचे लाएंगे, फिर इसकी एक पावर -1 करेंगे तो कितना आएगा -1/2 इंटू ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन -2x, 2 से ये 2 कैंसिल, एंड साथ में फिर हमें क्या करना है माइनस एक्स है तो उसके भी डिफरेंशिएशन करनी, वो हमारे पास कितनी आएगी -1, ठीक है, ये भी कैंसिल हो गया। अब ये हमारे पास आ गया 1, अब इधर देखो प्लस और माइनस क्या हुआ माइनस, और ये बचा एक्स भी बच गया और ये ऊपर साइन इनवर्स एक्स भी बच गया, और नीचे ये आके रूट बन जाएगा 1 - x2, और ये हमारा -1 भी था वो भी लिख दिया। अब देखो 1 और -1 आपस में कैंसिल हो गए और dy/dx डिफरेंशिएशन जो है वो क्या आई -x sin inverse x / √1 - x2, ये इतना सा फॉर्मूला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इफ लॉग ऑफ √x2 + y2 tan inverse x / y देन प्रूव शो दैट dy/dx (y - x) / y + x। तो यहाँ से स्टार्ट करें, मैं इसको थोड़ा इजी बनाती हूँ। लॉग x2 + y2 की होल पावर कितनी है 1/2, ये बन गया tan inverse x / y। अब देखो लॉग m की पावर n log m, थोड़ा इजी बन गया क्वेश्चन। लॉग x2 + y2 = tan inverse x / y। नाउ अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे 1/2 तो कांस्टेंट है, मल्टीपल एज इट इज रहेगा, लॉग के साथ है जो 1/2 हो जाएगा x2 + y2 इंटू ब्रैकेट की लॉग के साथ की डिफ्रेंशिएशन x2 + y2 = 2y/dx = tan inverse की क्या होती है 1/1 + x2, मतलब एंगल का स्क्वायर x2/y2 इंटू एंगल की भी साथ में चलेगी क्योंकि चेन रूल चलेगा बेटा, तो x / y - u / v लगेगा, यहाँ पे क्या v डिफरेंशिएशन ऑफ u, x की कितनी आएगी 1 - u डिफरेंशिएशन ऑफ v, y की आएगी dy/dx, ठीक है। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है, यहाँ से ये क्या है 1/2 x2 + y2 इकट्ठा हो गया, ऊपर से बेटा 2 कॉमन निकल रहा है और बचा क्या x + y dy/dx = जब आप एलसीएम लोगे y2 ऊपर चला जाएगा एलसीएम लेके, ये क्या बनेगा y2 + x2, ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, इंटू यहाँ पे y - x dy/dx / y2। अब देखो ये y2 से ये y2 कैंसिल हो गया और ये x2 + y2 से x2 + y2 सारे मैक्सिमम कैंसिल हो गए और हमारे पास सिर्फ बचा क्या x + y dy/dx = y - x dy/dx। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, dy/dx वाले एक साइड कर लेंगे, बाकी सारे एक साइड। हाँ जी देखो dy/dx वाले सारे एक साइड कर लिए, बाकी एक साइड पे इनमें से dy/dx कॉमन निकल जाएगा तो बचेगा क्या y + x dy/dx = y - x। तो देखो बेटा अब यहाँ पे जो करना है हम लोगों ने क्या करेंगे dy/dx = इसको नीचे ले जाएंगे y - x / y + x, हमें यही आंसर इसका चाहिए था। थैंक यू बेटा।